जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में देश के चार और जवान शहीद हो गए। शहीदों में अंबाला के तेपला का रहने वाला लांस नायक विक्रमजीत भी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। बहुत ही गरीब परिवार का विक्रम 5 साल पहले ही सेना में भर्ती हुआ था। उसका छोटा भाई भी भारतीय सेना में है। शहीद विक्रम की शादी को 7 महीने ही हुए थे। बताया जा रहा है कि विक्रमजीत की पत्नी गर्भवती है, जो कि अपने पति की छुट्टी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका इंतजार अधूरा रह गया। विक्रमजीत घर आएगा तो सही, लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। इन तस्वीरों में जो मंजर आप देख रहे हैं, ये मंजर अंबाला के गांव तेपला का है, जिसके 250 से अधिक युवा भारतीय सेना में जाकर भारत माता की सेवा कर रहे हैं। इसी गांव का एक जवान विक्रमजीत सिंह मंगलवार सुबह जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गया। मात्र 26 साल की उम्र में लांस नायक विक्रमजीत सिंह देश के दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। बेटे को खोने का गम पिता की आंखों से साफ झलक रहा था, वहीं दूसरी ओर माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अपने बच्चे भी साथे जिंदी सा, ओदे डैडी बहुत शरीफ ने, उन्हें तो कोई पता ही नहीं, उन्होंने दुनिया ने तो बड़ी मेहनत करके बच्चिया अज रुजगार दिलवाया, जो देखने की बारी आई असी कुछ नहीं देख सके अपने बच्चे का। विक्रमजीत की शहादत की खबर पाकर सामाजिक और राजनीतिक जगत के लोग उसके गांव तेपला पहुंचे। इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता विवेक चौधरी ललाना ने शहीद के पिता को तिरंगा भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उनके पांव में माथा टेक शहीद के पिता को नमन किया। सरकार इस चीज पे रोक लगाने में बिल्कुल नाकाम है। दिन प्रतिदिन हर रोज हम खबरों में सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि हर रोज हमारे जवान शहीद होने का काम होता है। ये प्रवोक तो करते हैं पर इन पे रोकथाम नहीं हो पा रही, जिस चीज़ में ये विफल हैं। बातें करते थे एक के बदले 10 सिर लाने की, पर आज रोज़ हमारे जवानों को शहीद कराने का काम करते हैं, जिससे आज देश के युवाओं में और प्रदेश के युवाओं में रोष है और जिसका सामना इनको आने वाले समय में करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आज फिर उस शहीद को नमन करता हूँ अपनी तरफ से और पूर्व सैनिकों की तरफ से, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता आया हूँ कि जब तक इनके शिविर जहाँ पर भी चल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के मध्य में हो या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हो, जब तक इन शहीद इनके शिविर के ऊपर हवाई हमला करके इनको नहीं कुचला जाता, तब तक हमारे ऐसे ही जवान शहीद होते जाएंगे। आज तेपला गाँव का विक्रमजीत सिंह जवान, जो कि 26 साल जिसकी एज थी, आज शहीद हुआ है। ऐसे अनेक विक्रमजीत शहीद हो रहे हैं, मगर इनकी कोई कदर, इनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि शहीद अपना काम कर रहे हैं मगर सरकार अपना काम नहीं कर रही। मैं आज फिर सरकार को ये दोबारा जताना चाहता हूं कि जितने भी शिविर पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनके ऊपर बिना सोचे, बिना समझे, बिना देर किए हुए हमला किया जाए और इनको नष्ट किया जाए, तब जाके पाकिस्तान को होश आएगी। शहीद विक्रमजीत का शव चार्टर प्लेन के जरिए शहीद का शव अंबाला लाया जाएगा। हिंद एक्सप्रेस के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।